भाई दूज का पर्व पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन धर्म और अध्यात्म नगरी काशी में कुछ अलग तरीके से मनाया जाता है। यहाँ पर जो बहनें हैं वो अपने भाई के लिए व्रत रखती हैं और एक पूरे गोवर्धन बनाया जाता है, गाय के शुद्ध गोबर से विभिन्न प्रकार की आकृति बनाई जाती है। और ये पहली बार ऐसा होता है जब एक बहन अपने भाई को गाली देती है और वो गाली देने के साथ ही कामना करती है कि मेरे भाई की उम्र लंबी हो। जब वो गाली देने के बाद प्रथा अनुसार एक जंगली पौधा होता है उसके कांटे से अपनी जीभ को चुभोती हैं और वो भगवान से माफ़ी मांगती हैं। मान्यता ये है कि इस तरह का यह कार्य करने से, इस तरह के इस पूजा करने से जो भाई का आयु होता है वो लंबी होती है और भाई स्वस्थ होता है। तो वाराणसी के तमाम कुंडों, शिवालयों और मंदिरों के पास भाई दूज का यह पूजा हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भाई दूज की पूजा करते हैं हम लोग दिवाली के तीसरे दिन, मतलब पहले दिन गोवर्धन पूजा होती है, उसके बाद ये हम लोग जो है पूजा करते हैं भाई दूज की। इसमें हम लोग चना कूटते हैं और चना कूट करके भाई को खिलाते हैं। इस पूजा में भाई की लंबी आयु के लिए हम लोग कामना करते हैं, इसीलिए पूजा करते हैं। महिलाएं जो है सुबह से व्रत रहती हैं और जब पूजा कर लेती हैं उसके बाद ही वो जो है अन्न का ग्रहण करती हैं। हाँ, तो इसमें इस पूजा में लंबी आयु के लिए हम लोग कहानी होता है, तो उसमें हम लोग कहते हैं जैसे कि भाई खाओ और भाई वो जो भौजाई है वो मतलब कि विडो हो जाए, लेकिन उसके बाद चूँकि हम लोग ऐसा बोलते हैं तो बाद में एक कांटा आता है उसको हम लोग गड़ाते हैं और कांटा गड़ा करके फेंक देते हैं और फिर बाद में जो है कि आशीष देते हैं कि मेरा भाई यशस्वी हो, लंबी आयु जिए, और जो हम लोगों ने मतलब गाली दिया है, अपशब्द बोला है, उसके लिए हम लोग अपने जीभ को दागते हैं कांटे से। और ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से भाई की उम्र जो है वो दीर्घायु होता है और भौजाइयों की दो कथाएं होती है। दूज का मतलब है कि इसमें दो कथा होता है भाई दूज में, इसमें गणेश जी की भी एक कथा होती है और फिर आयु से ही संबंधित दो कथाएं होती हैं इसमें, जिसको महिलाएं कहती हैं। और सारा कुछ क्या क्या बनाया जाता है? गोबर का इसमें गोधन बनते हैं और भाट भाटिन बनती हैं, हाँ, और सूर्य चंद्रमा तारे बनते हैं, जगह जगह यही सब बनते हैं। हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वाराणसी से आशुतोष उपाध्याय, ईटीवी भारत।